हे गाइस वेलकम, आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है और आप सभी को पता है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे भी होता है, तो ऐसे बड़े दिग्गज के पोर्टफोलियो के बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। राकेश झुनझुनवाला जी, क्योंकि जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर्स है शेयर मार्केट के इंडिया में, तो उनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल है, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ 3 ही शेयर चुने जो कि हमें रिसर्च करने के लिए बहुत ही बेटर हो सकते हैं और नए कंपनीज है जिन ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है उन कंपनी के बारे में। तो और मेन बात दोस्तों, ये शेयर्स आगे चल के हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं, मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो इस वजह से हमने सिर्फ 3 कंपनी शेयर चुने हैं जो कि अभी फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल रहा है, और अलग अलग सेक्टर के 3 शेयर चुने। अगर देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला जी की पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे शेयर अवेलेबल है, तो उसमें से हमने सिर्फ 3 ही शेयर चुने जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। और आप सभी को पता है राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन से शुरुआत की थी, लगभग उन्होंने 3 रुपये के आसपास उन्होंने निवेश किया था लगभग, और देखा जाए तो उन्होंने लगभग उनको पता है, सभी को पता है कि उनको करोड़पति है अभी, बहुत ही अमीर आदमी है इंडिया के, तो उन्होंने, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने टाइटन शेयर कितने समय के लिए होल्ड पे रखा था। उन्होंने लगभग 20 साल तक उन्होंने टाइटन शेयर्स होल्ड पे रखा था। तो ऐसे ही आपको ऐसे शेयर सुनने हैं जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज और डिस्काउंटेड प्राइस में हमें देखने को मिल रहे, तो उसमें ही आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों आपको बिल्कुल भी, मतलब राकेश झुनझुनवाला जी ने शेयर्स निवेश किया है तो आपको भी निवेश करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, क्योंकि ये अलग अलग कंपनी सेक्टर की कंपनीज है और बहुत ही नए हैं, मतलब ज़्यादा तो लोगों को पता भी नहीं है इन कंपनियों के बारे में, तो इस वजह से हमने ये शेयर चुने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके सिर्फ आप 15 मिनट में ही डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है, 15 मिनट में ही आप शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हमारा फर्स्ट शेयर है जो कि राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में और हाल ही में उन्होंने खरीदा था, तो उस शेयर का नाम है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये दोस्तों जो पार्ट्स होते हैं पैसेंजर्स व्हीकल हो या व्हीकल्स के पार्ट्स होते हैं वो बनाती है, एग्जॉस्ट सिस्टम हो, पैडल सिस्टम हो, डोर असेंबली हो, लोड बॉडी हो, डोर हिंग्स हो, स्किन पैनल्स हो, तो ऐसे पार्ट्स बनाने में वो कंपनी अग्रेसर और सप्लाई करने में अग्रेसर है। अभी फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 36 के रेंज पे देखने को मिल रहा है। अब जो इसका जो 52 अभी जो परसेंटेज में आज उछाल देखने को मिल रही है लगभग 3.44 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर मैक्स लेवल की बात किया जाए दोस्तों, मैक्स लेवल का पूरा चार्ट हमें गिरावट में ही देखने को मिल रहा है, लगभग ये शेयर दोस्तों हमें 400 के भाव पे भी देखने को मिल रहा था, उसके बाद तो लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसका 52 वीक हाई की बात किया जाए तो दोस्तों ये 52 वीक हाई में लगभग 47 के आसपास रेंज में देखने को मिल रहा था, और 52 वीक लो लगभग 9 रुपये के आसपास, मतलब आप देख सकते हो दोस्तों 9 रुपये के आसपास से इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर में पूरी तरह लगभग पिछले 3 साल में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, क्यों देखा जाए तो ऑटो सेक्टर में रिवर्स मार्केट हो देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिले थे पूरा ऑटो सेक्टर, उसके बाद नोटबंदी और थर्ड जो COVID-19 का पैंडेमिक अटैक, तो उस वजह से पूरे मार्केट सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़े थोड़ा ये रिकवर हो रहा है। इसका अगर फाइनेंशियल रिजल्ट भी हम चेक किया जाए तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आते हैं, उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोलाइन इंडस्ट्री पे आ चुके हैं उस कंपनी के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी दोस्तों 101 करोड़ के आसपास है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, और इसका बुक वैल्यू 8.35 के आसपास है, प्राइस पर बुक वैल्यू 4.29 के आसपास है। इंडस्ट्री का पी रेशो अभी फिलहाल 42 के आसपास देखने को मिला है। इसका जो पी रेशो अभी जो मार्केट, ये पूरा कंपनी जो गिरावट के क्रैश हो चुका है, तो इस वजह से इसका पी रेशो नहीं देखने को मिल रहा है। और नीचे देखा जाए दोस्तों इसका जो सेल्स और प्रॉफिट देखा जाए तो हमें सेल्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और प्रॉफिट में भी थोड़ा गिरावट देखने को मिले। क्वार्टर टू क्वार्टर हम देख चेक यहाँ पे जो मार्च 2019 का है लगभग 116 करोड़ के आसपास हुआ करता था, उसके बाद वो कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रही है। अगर मार्च 2020 का डेटा देखा जाए तो लगभग 54 करोड़ के आसपास है, मतलब यहाँ पे सेल्स में इनकी गिरावट देखने को मिली, पूरा ऑटो सेक्टर दबाव में था इस वजह से, तो थोड़ी यहाँ से एक
हमें लग शीशम का मतलब यहाँ पे यहाँ से हमें तेजी देखने को मिल सकती है शीशम का लगते, क्योंकि इसमें प्रमोटर होल्डिंग बढ़ चुकी है। तो प्रमोटर जैसे प्रमोटर किसी भी कंपनी अगर प्रमोटर बढ़ शेयर होल्डिंग बढ़ती है तो उसका मतलब ये रहता है प्रमोटर्स क्या करेंगे कि ध्यान ध्यान रखें कंपनी को कितना ज़्यादा प्रॉफिट में ले सके, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रमोटर को फायदा होता है उतना ज़्यादा कंपनी को भी फायदा हो सकता है। उसका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों यहाँ पे, और मार्च का देखा जाए तो 36 करोड़ के आसपास हुआ करता था, लेकिन उसके बाद नेट प्रॉफिट लगातार निगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। तो ये संकेत भी है कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें रिकवरी भी आने वाले कुछ समय में हो सकती है। और ऐसे दिग्गज बड़े इन्वेस्टर ने अगर खरीदा होगा तो वो भी एक बड़ी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने लगभग 9 रुपये या जो गिरावट देखने को मिल रही थी उस लेवल पे ही खरीदा होगा। तो आपको मैं इस यहाँ पे मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको भी खरीदना चाहिए, आपको सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो दोस्तों। और अगर और भी नीचे देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे, तो जैसे मैंने आपको भी कहा था इस अगस्त में हमें प्रमोटर होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिले, और पिछले 3 क्वार्टर में देखा जाए तो 29.7% के आसपास हुआ करते थे। तो प्रमोटर्स यहाँ पे एक प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ते हुए वो भी एक संकेत, पॉजिटिव संकेत हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शेयर ऑटोलाइन इंडस्ट्री का, जो कि राकेश जुनवाला की पोर्टफोलियो में है और हाल ही में उन्होंने निवेश किया। तो सेकंड शेयर है एडवाइज फाइनेंशियल सर्विस, आप सभी को पता है दोस्तों इस कंपनी के बारे में, ब्रोकर भी है, सर्विस लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जनरल इंश्योरेंस को भी ये ब्रोकरेज सर्विस प्रोवाइड करती है, और प्राइवेट इक्विटी मतलब ये रजिस्टर्ड भी है, NSE और BSE से रजिस्टर्ड है। तो अभी फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों 78 के आसपास देखने को मिल रहा है, और आज के दिन इसमें 1.81% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैक्स लेवल का इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये भी हमें निगेटिव में देखने को मिला है, लगभग 300 के आसपास ये शेयर हुआ करता था ऑल टाइम मैक्स 2018 में, उसके बाद आप देख सकते हो इसमें गिरावट ही देखने को मिले। इसका रिटर्न देखा जाए तो लगभग 46% के आसपास निगेटिव रिटर्न है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही मतलब ऐसी कंपनीज भी होती है, लेकिन आप अगर गिरावट में खड़े तो यहाँ पे आप राकेश जुनवाला जी ने लगता है मुझे यहाँ पे मतलब 38 या 30 रुपीज़ के आसपास उन्होंने या 40 के रेंज में भी अगर खरीदा होगा, और वो शेयर लाख 10 10 20 और 100 20 ऐसे 100 200 खरीदते नहीं, वो करोड़ों में शेयर खरीदे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर 40 या 30 के लेवल भी अगर उन्होंने खरीदा होगा तो पर शेयर उनको 30 रुपये या 20 रुपये का भी फायदा आप देख सकते हो, मतलब उन्होंने करोड़ों में ये शेयर उठाए होते थे। अगर इसका 52 वीक हाई है आप अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हम देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो 52 वीक हाई यहाँ पे हम देख चेक करेंगे तो 134 के आसपास देखने को मिला, और जो गिरावट देखने को मिल रही थी मैक्सिमम गिरावट वो 30 रुपये के आसपास देखने को मिल रही थी। और इसका जो अगर वैल्यूएशन चेक किया जाए इंडिविजुअल एडवोलस फाइनेंशियल सर्विस का, तो अगर अगर यहाँ पे आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों लगभग 7,370 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ये भी स्मॉल कंपनीज है, ज़्यादा इसका भी मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर देखा जाए तो वो 37 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.13 का है, और इसका इंडस्ट्री का पी रेशो वो भी 30 के आसपास देखने को हमारा, इसका भी यहाँ पे देख सकते हो इसका भी पी रेशो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट भी फिलहाल गिरावट में है और जो रिटर्न भी इनमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दिग्गज इन्वेस्टर ने खरीदा है यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि राकेश जुनवाला जी को प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होता है, नहीं उनको भी लॉस उठाना पड़ता है, वो और बड़े अमाउंट में उनको लॉस उठाना पड़ता है। तो अगर आज का जो हम अगर सेल्स और ये देखा जाए और भी नीचे देखा जाए तो हमें पूरी डिटेल्स में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे इनका जो रिजल्ट परफॉर्मेंस है देखने को मिल रहा है। जून 2019 का इनका जो 2,2500 करोड़ के आसपास इनका सेल्स हुआ करता था, वो यहाँ पे सितंबर के आसपास गिरावट देखने को मिले, लेकिन दिसंबर 2019 में हमें वो पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला, लगभग 2600 करोड़ के आसपास इनका सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है मार्च 2020 और जून 2020 में, मतलब अभी के जो फिलहाल Q1 के रिजल्ट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो सकती है आने वाले कुछ समय में, फाइनेंस सभी को पता है जो फाइनेंस का हालत है, बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट है क्योंकि मॉरेटोरियम की वजह से, और जो क्लाइंट को उन्होंने जो लोन या फाइनेंशियल प्रोवाइड किया तो वो उससे भी वो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इस वजह से भी हमें देखने को मिल रहा है इसमें गिरावट। और इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो मार्च में हमें लगभग 100
134 करोड़ के आसपास हुआ करता था, और जून का भी देख सकते हो माइनस में देखने को मिल रहा है। और इसका जो देखा जाए तो दोस्तों मार्च 2020 के क्वार्टर में लगभग -2000 का इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन वो थोड़े धीरे कम होते हुए देखने को मिल रहा है, -263 के करोड़ के आसपास अभी नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और इसका प्रमोटर की बात किया जाए तो प्रमोटर यहाँ पे कंटिन्यूसली अभी कंस्टेंट, मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स 32.89 के आसपास है, फॉरेनर लगभग 31.05 है, और यहाँ पे एज कंपेयर किया जाए दिसंबर मतलब पिछले क्वार्टर में वो 30.41 हुआ करता, तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे बढ़ चुके हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक शंका है कि मतलब आशंका यहाँ पे एक कह सकते हैं कि प्रमोटर मतलब जो फॉरेनर है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टर से वो यहाँ पे स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड शेयर दोस्तों। और थर्ड शेयर इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ये भी मतलब बहुत ही मतलब गिरावट में है, और इसका जो अगर देखा जाए तो ये मोस्टली देखा जाए दोस्तों ये टाटा की कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी, सब्सिडी ऑफ टाटा ग्रुप की है। और इसके जो होटल्स देखा जाए तो मतलब ये बेसिकली दोस्तों इंडियन होटल्स हॉस्पिटलिटी कंपनी है इंडियन की, और ये लगभग मैनेज करती है होटल्स, रिसोर्ट रिसोर्ट्स हो या जंगल सफारीज हो, पैलेस हो या इन फ्लाइट कैटरिंग सर्विस हो, तो ऐसे मतलब ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करने में अग्रेसर हो। इनके जो देखा जाए तो लगभग 160 होटल्स है दोस्तों, 160 होटल्स है इन डिफरेंट 80 लोकेशन एंड डिफरेंट 17 कंट्रीज में, 17 अदर कंट्रीज में इनके होटल्स अवेलेबल है, तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फिलहाल कोविड के चलते हुए मतलब सरकार ने पूरे होटल्स लाइन को बंद कर दिया है, सिर्फ डिलीवरी है, आप सभी को पता है स्विगी डिलीवरी से मतलब चालू है, तो इस वजह से हमें होटल्स में हमें गिरावट देखने को मिले पूरे सेक्टर में। तो अभी जो देखा जाए इसका करंट मार्केट प्राइस 100 के आसपास देखने को मिल रहा है, आज के दिन इसमें 2.95% की गिरावट देखने को मिल रही है। और मैक्स लेवल का चार्ट पैटर्न देखा जाए दोस्तों तो मैक्स लेवल का रिटर्न 227% का इनका मैक्स लेवल का रिटर्न है 1999 की कंपनी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं थोड़ा टाटा की ग्रुप कंपनी तो बहुत ही बढ़िया होगी, लेकिन जितने भी होटल्स लाइन है वो हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इसका अगर 52 वीक हाई देखा जाए दोस्तों तो इसको 163 के आसपास हुआ करता था 52 वीक हाई और लो, मतलब गिरावट देख सकते हो 62 के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे रिकवर भी उतनी तेजी से ही तो धीरे धीरे करके इसमें रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे शेयर चुनने चाहिए जो कि बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं, हमें लाइफ टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि होटल्स आगे चल के हमें इसमें बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिल सकती है, अगर इसका फाइनेंशियल रिजल्ट चेक किया जाए, फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन चेक करते हैं, तो ये लगभग 12,118 करोड़ की ये कंपनी है दोस्तों। पी रेशो देखा जाए तो 86 के आसपास देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्री का पी रेशो लगभग 27 मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो इंडस्ट्री का पी रेशो है उससे ही ज़्यादा ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी देखा जाए तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिल रहा है, और इसका जो डिविडेंड है बुक वैल्यू देखा जाए तो 38.54 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 2.64 के आसपास देखने को मिल रहा है, और डिविडेंड यील्ड 0.49% के आसपास डिविडेंड है, मतलब यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देती है लेकिन इनका डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है उस हिसाब से, तो ये मैनेजमेंट का इशू है कि डिविडेंड देना है कि नहीं, तो वो मैनेजमेंट के ऊपर है दोस्तों। और अगर इसका जो सेल्स और प्रॉफिट देखा जाए तो हमें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों, जून के 2019 में 1,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, उसके बाद दिसंबर में हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा था, उसमें जो सेल्स में हमें पॉजिटिव रिटर्न बढ़ चुके थे, इसके लगभग 1,300 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, और मार्च में वो 1,000 के आसपास फिर से गिरावट देखने को मिली 1,000 के आसपास, अभी जून का देखा जाए तो सिर्फ वो 143% के आसपास ही देखने को मिला, मतलब यहाँ पे 80% का इनका मार्क सेल गिर चुका है अभी फिलहाल तो। और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो वो जून के 19 में देखा जाए 10 करोड़ के आसपास हुआ करता था, उसके बाद वो दिसंबर में आते आते वो बढ़ चुका था, लगभग 193 करोड़ के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन अभी जून का 2021 का रिजल्ट देखा जाए 2020 का तो हमें वो -26 करोड़ के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है अभी फिलहाल जो होटल सेक्टर में पूरी गिरावट में। तो
अगर देखा जाए तो जैसे शेयर चुने जो कि हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट दिला सकते हैं। अगर अगर आप देख ये शेयर्स मतलब राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी खरीदना चाहिए। आपको खरीदना से पहले आपकी पूरी रिसर्च करके, क्योंकि उन्होंने भी रिसर्च किया, वो सुनते हैं सबकी, लेकिन वो करते हैं अपने खुद की मन की करते हैं दोस्तों। तो वैसे ही आपको आप इस वीडियो से मतलब आपको मतलब डायरेक्टली आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको पूरी नॉलेज करके आप रिसर्च करना है, उसके बाद ही आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करना। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स क्यों हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।